हाय गाइस, जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम। तो दोस्तों कैसे हो? मस्त रहो, खुश रहो, ठीक है। दुखी नहीं रहना है, मस्त रहना है। तो आज मेरे पास में आए हैं राजा राम गुप्ता जी। ये आए हैं मध्य प्रदेश शहडोल से। कहाँ से? मध्य प्रदेश शहडोल से। इसलिए दोबारा मैंने इसलिए बोला कि मेरे पांच बच्चे मध्य प्रदेश में गए हैं, मतलब पांचों नहीं गए अभी ये तीसरा बच्चा जाने वाला है। दो बच्चे अभी और जाएंगे, एक रीवा में जाएगा जब पहले लेके गए तौसिफ भाई, वो मेल लेके जाएंगे फिर से, और एक जाने वाला है इंदौर में, ठीक है। तो टोटल पांच बच्चे मेरे एमपी में गए हैं। पहले भी मैंने एमपी में दिया हो बच्चे, अपना जबलपुर में दिया हो और खंडवा में दिया हो, ठीक है, वो भी बच्चे बहुत अच्छे बने। तो राजा राम भाई आए हैं। ये फीमेल पपी एक भैया है, मनीष भाई पांडे, उन्होंने दो तीन दिन पहले मुझे कॉल किया था। वीडियो थोड़ी बड़ी होगी, थोड़ी वीडियो पूरी देखना, ठीक है। तो वो बोल रहे थे कि भैया मुझे आपके बच्चे पसंद है, फीमेल में लेना चाहता हूँ, तो आप डिलीवरी करवा दीजिए। तो मैं डिलीवरी के खिलाफ़ हूँ। तो मैंने उनको बोला कि भैया आप घर पे आओ, बच्चा देखो, अपना सिलेक्ट करो, फिर लेके जाओ। क्यों भैया? भैया आए, मैंने दिखाए सारे बच्चे उनको, तो फिर भी उन्होंने मेरे ऊपर डाला कि भैया आप ही दो, जो बच्चा दोगे वो बेस्ट रहेगा, मैं आपके ऊपर ही डालता हूँ। तो जो भी टोकन वगैरह था सब उन्होंने मुझे दे दिया था। तो मैंने सिलेक्ट किया हो फीमेल। देखो घर में आकर के ले जाने से क्या होगा, आपके जो मन में जो तसल्ली वाली भावना रहती है वो पूरी हो जाती है। अगर मैं डिलीवरी से भेजूंगा फिर आपके मन में शंका रहेगी कि यार मुझे बच्चा कैसे मिलेगा, कैसे नहीं मिलेगा, ठीक है। क्योंकि डॉग वाले लाइन में इतना ज़्यादा फ्रॉड है, इसमें क्या है, जो अच्छा काम करता है उनको बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि डिलीवरी के चक्कर में मत पड़ो, ऑनलाइन पैसा किसी के अकाउंट में मत डालो, और प्रॉपर ऑनर के घर जाओ, मदर फादर देखो, बच्चे देखो, फिर लो। ये सबसे अच्छा तरीका है। और मैं हूँ यार फौजी आदमी, ऐसे ही मैंने 21 साल अपने देश के लिए दिया हूँ, और मैं नहीं चाहता कि मेरे हाथ से कोई गलत काम हो और किसी कोई भाई मुझे आकर के बोले, ठीक है। तो वो कोई बोले तो मुझे बहुत बुरा लगेगा, तो इसलिए गलत काम करता नहीं हूँ मैं और ना ही बर्दाश्त करता हूँ। तो वीडियो को यहाँ पर मैं शुरू करता हूँ। तो हमारे जो मनीष भाई है उन्होंने फीमेल बुक की है। तो ये जो राजा राम भाई है उनके मित्र है, उनके बगल में ही रहते हैं शहडोल में, तो उनका आना नहीं हुआ, उनके घर में शादी थी मनीष भाई की, तो ये लेने के लिए आए हैं बच्चा राजा राम जी। तो उन्होंने वीडियो कॉल पर ही मुझे बोला कि भैया आप ही सिलेक्ट करो, कॉल पे बताए जो बच्चा आप दोगे बेस्ट रहेगा। फिर भी मैंने भैया को दिखाया, उनको भी वीडियो भेजा, उन्होंने भी बताया मुझे कि ये बच्चा मुझे चाहिए, बोला ठीक है। तो उन्होंने जो सिलेक्ट की है वो फीमेल है। ये सबसे पहले आपको मेल दिखाता हूँ, ठीक है। तो अगर आप मेरे चैनल पे कोई नया आया है भाई तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, और बेल आइकन जरूर दबाना, वीडियो पे लाइक कमेंट जरूर देना, आपको बहुत सारी प्यारी प्यारी वीडियोस मेरे डॉग्स की मिलती रहेगी। तो ये लॉन्ग कोट का मेल है, देख सकते हो क्वालिटी, ठीक है। ये भी बच्चा बहुत अच्छा है। और फीमेल जो राजा राम भाई ने, अपना मनीष भाई ने बुक की है वो ये है, ये फीमेल है, ठीक है, लॉन्ग कोट की फीमेल है भैया जी। बच्चा आप देख ही रहे हो, सारे बच्चे, मेरे बच्चे सभी अच्छे हैं, एक से बढ़ के एक है, कोई मतलब उसमें शंका नहीं रहेगी। मन में जब आप आओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे कौन सा बच्चा ले जी। तो बच्चे वीडियो में आपको इस तरह से दिख रहे हैं तो लाइव में अलग ही दिखते हैं। और जहां से भी आप डॉग खरीदते हो सामने जाकर के लो, वीडियो द्वारा मत लो। बाकी मेरे बच्चों में मैं 100% गारंटी देता हूँ, जो बच्चा आपको मिलेगा क्वालिटी वैसी रहेगी, बस आपको खिलाई पिलाई में ध्यान रखना होगा। ये नहीं कि भाई शॉर्टकट मारा और रोटी में ही काम चलाओगे, तो उसमें नहीं बनते, बहुत सारा खर्चा भी करना पड़ता है डॉग्स पे। ये फीमेल है मनीष भाई आपकी, ये फीमेल है, ये मैंने सिलेक्ट किया हुआ आपके लिए। तो लॉन्ग कोट की फीमेल है, बहुत ही शानदार बच्चा है, ठीक है। इसकी ग्रोथ आप 15 दिन के बाद देखना, बहुत ही जबरदस्त बनेगी, ठीक है। केसीआई रजिस्टर्ड है, ठीक है, केसीआई रजिस्टर्ड है। मनीष भाई आप भी सुन लीजिए मेरी बात, और राजा राम जी, ये इसके पेपर मैंने चेन्नई में अप्लाई कर दिया हूँ, जब भी आएंगे आपको पोस्ट द्वारा मिल जाएंगे, ठीक है। ये मैं वीडियो में बता रहा हूँ, क्योंकि ये इसलिए बता रहा हूँ, बहुत से लोग क्या करते हैं, केसीआई रजिस्टर्ड बच्चे सेल करते हैं,
पेपर के लिए चक्कर कटवाते हैं जिसको बेचते हैं, ठीक है, देते नहीं है पेपर, ये 90% लोग करते हैं। मैं इसलिए वीडियो में बता रहा हूँ, सोशल मीडिया पे है, ये सबूत रहेगा जी। अगर मैं पेपर नहीं दूंगा तो आप मुझे बोल सकते हैं, मगर ऐसी नौबत नहीं आएगी, मैं खुद कॉल करके बताता हूँ कि भैया आपके पेपर आ गए, आप लेके जाओ, ठीक है। तो ये फीमेल है, इन्होंने सिलेक्ट की है, मनीष भाई की फीमेल है ये, तो आज जाएगी। इसका सफर जहाँ तक के रहेगा उनके घर में, जब भी उनकी हेल्प होगी मैं कॉल पे बताते रहूँगा, कोई दिक्कत आएगी तो मुझे पूछते रहेंगे मनीष भाई, ठीक है, पूछते रहना मुझे कोई भी ऐसी दिक्कत आई तो। मेरा बच्चा यार घर का, ठीक है, ये नहीं यहाँ पर मैंने सेल कर दिया, दे दिया, यहाँ पर मेरा काम खत्म हुआ, ऐसा नहीं है, यहाँ से मेरा काम स्टार्ट हुआ है, ठीक है, क्योंकि वो बच्चा मेरे घर में गया है, मेरा देखभाल करना, फोन पे जो भी प्रॉब्लम आती है उनको हेल्प करना मेरा फर्ज है, ठीक है, करना चाहिए और भी लोगों ने करना चाहिए। तो थोड़ा सा राजाराम भाई क्या कहना चाहते हैं हमारे बारे में, इनकी भी बात थोड़ा सुन लेते हैं। नहीं सर, आपके बच्चे जो हैं सभी अच्छे हैं, खुल के बोलना है, कोई नहीं, मन में जो बात है, कोई दबाव नहीं सर। हाँ, जो आपके साथ बच्चे देखे, साथ में सातों अच्छे हैं, और आप जो बताए वो भी अच्छी बात बोले आप कि जवाबदारी हमारी अभी शुरू हुई है। तो राजाराम जी को सारे बच्चे मैंने दिखाए, तो भैया बोले तो सारे बच्चे अच्छे है, तो भाई बोला सारे ले जाओ फिर तो एक बच्चा ले जाने में दिक्कत आती है, ठीक है, तो सारे तो नहीं ले जा पाएंगे। ये मेल है, और देखो मेल में और फीमेल में क्वालिटी का अंतर होता है 19-20 का, ऐसा नहीं है, मेल मेल के हिसाब से बनता है, फीमेल फीमेल की क्वालिटी के हिसाब से बनती है, ठीक है, तो आप देख ही रहे होंगे थोड़ा अंतर मेल का और फीमेल का। बाकी जबरदस्त बच्चे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप में से कोई भाई लेना चाहता है लॉन्ग कोट जर्मन शेफर्ड के पपीस, मेल फीमेल आपको मिल जाएंगे। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, वीडियो के टाइटल में भी है। बाकी कोई भी ऐसी डरने वाली बात नहीं है कि यार मैं तो इनको जानता नहीं हूँ, इनके अकाउंट में पैसे कैसे डालूँ या फिर इनसे कोई से बात करूँ। मेरा चैनल है यूट्यूब पे, आप मेरे पुराने वीडियोज देखो, कौन कौन भाई मेरे से बच्चे लेके गए उनके बारे में भी आप पता करके कॉन्टैक्ट कर कॉल करके बात कर सकते हो, ठीक है। कोई भी ऐसी मन में शंका नहीं रखना है, और आपका भी ठीक सही तरीका है कि एकदम किसी पे विश्वास भी नहीं कर सकते। दुनिया में बहुत अलग अलग तरह के नमूने हैं, नमूने ही बोलूँगा मैं, क्योंकि जो गलत काम करते हैं वो नमूनों से कम नहीं है। तो गलत काम करेंगे तो फिर क्या है, नए आदमी को परेशानी होती है बहुत, ऐसे नहीं होना चाहिए। बाकी यार क्वालिटी ये है, देख लो, ठीक है। अगर आप में से कोई भाई लेना चाहता है पपीज तो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपको हर वीडियोस में डिस्क्रिप्शन में स्क्रीन पे मिल जाएगा। तो चलिए गाइस, फिर ये थी छोटी सी वीडियो, छोटी सी तो नहीं बहुत बड़ी वीडियो बन गई। अगर कोई किसी को प्रॉब्लम होती है डॉग से रिलेटेड मुझे कॉल करके पूछ सकता है, ठीक है। इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर मैं अब समाप्त करता हूँ। अपना राजाराम जी, जी कोई कुछ बोलना तो नहीं है? नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं सर, आपके बच्चे जितने भी सभी अच्छे हैं। हाँ, आपको स्वभाव भी अच्छा हमको लगा, जो आप हमको बुलाए, आप अपने बच्चे दिखाए तो हमको संतुष्टि हुई। हाँ भैया घर पे आए यार, हमारा भी ये तो हमारे भारत का रिवाज है, कोई भी मेहमान किसी के घर में जाता है तो उसका आदर सत्कार करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि यार आपने बच्चा दे दिया भगाओ इसको, कोई ये नहीं है, ऐसा नहीं है। भैया आए हैं, भैया की हमने बहुत इज्जत सम्मान किए हमारा। हाँ, सर आपसे बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हमारा काम है, ठीक है, जो भी व्यक्ति हमारे घर पे आएगा उसका हमारा फर्ज है करना। तो गाइज अगर मेरे वीडियो पे आप फर्स्ट टाइम हो तो लाइक कमेंट्स जरूर देना। अगर चैनल अगर आपको अच्छा लगता है, मेरे वीडियोज आपको पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, नीचे जो लाल वाली बटन है उसको क्लिक करना और बेल आइकन जरूर दबाना। तो चलिए गाइज इसी के साथ एपिसोड यहाँ पर मैं समाप्त करता हूँ। देखते रहिए आपका अपना फेवरेट चैनल शिव गणेश डॉग हाउस। जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।